सो यार गाइस, जैसा आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे है पूरी जंक्शन और हम लोग अभी पूरी पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। तो होटल ढूंढने के बाद जब मैं बीच पे जाऊंगा तब आप लोग को आगे का कुछ सीन बताता हूं, तब तक आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। तो हां गाइस, हम पहुंच चुके हैं पूरी की बीच पर और आप व्यू देखो। पानी बहुत नमकीन है, खट्टा खट्टा, पर मजा बहुत आ रहा है। ये भाई लोग आना भाई, कौन है भाई? ये कोल्ड ड्रिंक, कौन है? 20 का कोल्ड ड्रिंक है पर 120 हो गया ना। राइट। सब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए, जगन्नाथ मंदिर। और ये पीछे अपने को दिख रहा है ना, ये है अपना होटल, यहीं पे हम स्टे कर रहे हैं। तो मिलते हैं मंदिर में, बाकी के अपडेट आपको मंदिर पहुंचे देता हूं। गाइस फाइनली दर्शन हो गए और हम प्रसाद लेके आ चुके हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं होटल डिनर करने, फिर उसके बाद का माहौल आपको बताते हैं। तो गाइस, मैं अभी एक भैया से बाल कहाँ कटवाने पूछा, क्योंकि बाल बहुत बड़े हो रखे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे। तो भैया ने मुझे क्या सजेस्ट किया आप देखो, इसका नाम है लोरी जेंट्स पार्लर, लोरी। हम रखना है तो कुछ सोच समझ के रखो ना यार, और लोरी लिख रहे हो तो सामने बहन तो लगा दो, बहन की। उड़ीसा में भी झगड़ा कर सीन दिखा है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। मार मार क्या बे, ढंग से झगड़ा भी करने आता नहीं भाई लोग। सुबह 9 बजे तो हाय गाइस, अभी हम लोग टूर के लिए निकल चुके हैं, बस में बैठ चुके हैं। जाते हैं मंदिर, पहुंच के अपडेट देते हैं आपको आगे की, तब तक के लिए एंजॉय द सिनेमैटिक्स। हेलो गाइस, पहली टूरिस्ट स्पॉट पे हम तो हेलो गाइस पहली टूरिस्ट स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है चंद्रभागा, और यहाँ पे एक बीच है, मैं आपको दिखाता हूँ लहरें। तो हाय बोनस, बोनस कहाँ पर पहुंचे? नहीं पता, भूल गया। टूरिस्ट दूसरा जगह, मंदिर का नाम क्या है? नहीं पता भाई। मंदिर का नाम कोणांक, कोणांक पूरी है, सन टेंपल है ना, वही कोणांक बोलते हैं, कोणांक सन टेंपल, कोणांक। मंदिर का नाम क्या था? वो उधर शौचालय, वो उतने का है, वो उतना लग्जरी है। ये अपना ग्रुप, अपने ग्रुप का नाम है दुर्गा, दुर्गा जैसा कोई नहीं। ये अपना स्टार डुग्गू भाई, ए दूर से ले ना एक, ये डुग्गू का माँ, ये डुग्गू का माँ। ये पैसे वाली पिंकी, ये मेरी सिस्टर भारत, वो अनन्या का है, अनन्या। ये भारत का आजाद कराने वाले इंसान, भारत के हस्बैंड, ये इनका बाय प्रोडक्ट अनन्या पांडे। ये मेरा भाई बोना, मतलब नवन। बोना भाई बता, मंदिर किस चीज़ पे बना, तेरे को पता है? नहीं पता। देख गौर से देख, तेरे को उसमें कुछ दिखेगा, क्या ईटा उटा दिखा? चाहे मंदिर वहाँ पर देखना पूरा, देख दीवार में समझा बेटा, यहाँ पे भी चालू है।
कि हम ऊपर मंदिर नीचे। चलो मैं आपको अब मंदिर दिखाता हूँ, बहुत सेक्सी मंदिर। हमारे को छांव देने के लिए थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फोटो ले लो। गर्मी बहुत है, गर्मी का जुगाड़ मिला मेरे को। ओके चलेगा भाई, कोई कमेंट में लड़की नहीं बोलेगा। मैं पहले आप लोगों को मंदिर का नक्शा दिखा देता हूँ। ये है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। शेर होता है शक्ति का पति, नीचे नीचे है ना। समझ आ रहा है? सुनने में इंटरेस्ट है, कुछ सुन ही नहीं रहा भाई, फिर भी बोल रहे हो। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? नहीं आया। कुछ समझ आया? नहीं आया। तो सुन कह रहे थे तुमने, कुछ समझ आया भाई? कुछ बोला समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अभी आपको कुछ एकदम आकर्षित चीज दिखाऊंगा जो बहुत ही पुरानी है पर बहुत ही सही है। इस चक्र के थ्रू करेक्ट टाइम बता दिया भाई अंकल ने, सूरज देखे और इस चक्र में कुछ कुछ पढ़े, करेक्ट एकदम एग्जैक्ट टाइम। तो ये है गार्डन मंदिर के बैक साइड और ये है मंदिर। बहुत बड़ा है यार, तुम लोग इसमें पहचान नहीं पाओगे, पर तुम लोग जब एक्चुअल सामने से देखोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एक नंबर है भाई। मतलब सही में पुराने टाइम पे इस तरह की कलाकारी भाई मायने रखती है, आज के टाइम पे लोग नहीं कर पाते। उस टाइम पे छेने तोड़े से लेके चक्र देख रहे हो ना, चक्र ही चक्र है जो हमारे 10 के नोट में बना हुआ रहता है। पहले रहता था या अभी मेरे को उतना याद नहीं है, पर ये वही चक्र है जो हमारे नोट में बना हुआ आता है। तो ये हमारे दो घोड़े और हमारे जिंदगी के लगे हैं लो दुर्गा परिवार। चलिए मैडम, मैडम एक फोटो ले ले आपका, मैडम मैडम एक फोटो, एक फोटो ओनली 50 रुपये, 50 रुपये एक फोटो मैडम, 50 रुपये मैडम मैडम एक फोटो, एक फोटो 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये मैडम एक फोटो, 50 रुपये एक फोटो। ये मेरे को फूल दे रही है मेरी छोटी सी गर्लफ्रेंड, चल रे एड्डी, और ये उसकी बड़ी बहन मेरे छाता लेके आई है ताकि मेरे जीजे को धूप ना लगे। अच्छा तो, अच्छा दुर्गा परिवार, अपने परिवार का नाम क्या है? क्या पता? दुर्गा परिवार। ए राजा 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 दसी बजे है, ए राजा दुर्गा परिवार आ जाओ, आ जाओ, ए राजा 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 तेरे जान। चलो दोस्तों हम पहुंच गए अपनी सेकंड लोकेशन भुवनेश्वर। क्या नाम है मंदिर का वे? लिंगराज, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ये अपनी सेकंड लोकेशन है, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये कुंड है, कुंड। तो हाँ दोस्तों दर्शन हो गया हमारा, पर ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन अंदर फोन चप्पल जूते चमड़े की कोई भी चीज़ अलाव नहीं है, तो मैं अंदर की आपको कुछ फुटेज नहीं दिखा पाया। अब अपन अगली लोकेशन पर जब जाएंगे तब मैं आपको अपनी पहली तीसरी चौथी लोकेशन दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी चौथी लोकेशन पे, अभी हम लोग हैं भुवनेश्वर में, इसके बाद अपन कोई चौथी लोकेशन जाएंगे तब मैं आपको बताता हूँ। अब तक के व्लॉग में बने रहें, बाय। तो हाँ गाइस ये है अपना नेक्स्ट स्पॉट, उदयगिरी और क्या है, खंडगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी। यहाँ दो पहाड़ है, उदयगिरी सबसे बड़ा है और खंडगिरी सबसे छोटा है, मतलब उससे छोटा है, दोनों गिरे थे इसलिए इसका नाम है उदयगिरी और खंडगिरी। ये बंदर लिखो, बंदर बंदर, ये देख बंदर बंदर बंदर, ये देखो देखो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा, वो व्यू जन्नत है, जन्नत है।